बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीन ने J20 को अपनी एयरफोर्स के लिए आंखों और कानों का रोल दे दिया। J20 किस तरह J10C और J16 की ताकत को बढ़ाएगा और किस तरह चीनी एयरफोर्स को J20 की असल ताकत का पता चला, ये तीनों बातें मैं आज की इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दरअसल बात कुछ इस तरह है कि अभी चंद माह पहले अमेरिकी सेनेटर ताइवान के दौरे पर आई थी और चीन ने इस दौरे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से का इजहार किया था। उसी दौरान चाइनीज एयरफोर्स के काफी ज्यादा फाइटर जेट्स कई बार ताइवान के नजदीक गए और ताइवान के आसपास चक्कर लगाकर वापस अपने एयर बेसिस पर आ गए। अब जब यह सब कुछ चल रहा था उसी दौरान चाइनीज एयरफोर्स को अपने J20 की असल सलाहियतों का पता चला और जो सलाहियतें थी वो थी J20 के रडार की पावर और उसके अंदर लगे हुए सेंसर्स की पावर। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चाइना ने अपने J20 को अपनी एयरफोर्स के आंखों और कानों का काम दे दिया है। अब जब भी चाइनीज एयरफोर्स ने किसी टारगेट को एंगेज करना होगा या किसी मुल्क के ऊपर हमला करना होगा या अपने किसी दुश्मन को डराना होगा उस वक्त J20 फाइटर जेट्स के अंदर सबसे आगे रहेगा और उसके पीछे जितने भी फाइटर जेट्स होंगे J20 उनकी आंखों और कानों का काम करेगा और अपने सेंसर्स के जरिए जो उसको डाटा मिलेगा वो सारा का सारा डाटा दूसरे फाइटर जेट्स के पायलट्स के साथ शेयर होगा। अब जो मैंने आपको दूसरी बात कही थी कि J20 किस तरह J10C और J16 की ताकत को बढ़ाएगा, तो देखें जब ताइवान के नजदीक चाइनीज एयरफोर्स बार बार जा रही थी उस वक्त J10C और J16 ये फाइटर जेट्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर आगे जा रहे थे और J20 ने जो अपने सेंसर्स के साथ काम लिया है और जो उसी वक्त डाटा शेयर किया गया है उस डाटे के साथ J10C और J16 ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि J10C और J16 J20 के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं। हाल बता चाइना के पास और भी बहुत अच्छे अच्छे फाइटर जेट्स मौजूद हैं लेकिन उन फाइटर जेट्स से ज्यादा अच्छा काम J16 और J10C J20 के साथ मिलकर कर सकते हैं। अब जब भी चाइना ने कहीं पर अटैक करना होगा तो J20 का ही पायलट दूसरे फाइटर जेट्स के पायलट्स को कमांड देगा कि आप इस टारगेट को शूट करें और इस टारगेट को हमने छोड़ना है, मतलब अहम टारगेट्स जो होंगे जिनको शूट किया जाएगा वो J20 के पायलट के ऊपर ही होगा, उसी की कमांड चलेगी। अब ये जो न्यूज मिली है मुझे इसको यूरो एशियन टाइम ने ब्रेक किया है, इस आर्टिकल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने बहुत कम वक्त के अंदर आपके साथ एक खबर शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।